तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला करती है कि जहांगीर बड़ाइच अहमद पाशा के कत्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं और बाइज्जत बरी किया जाता है और पुलिस को हिदायत दी जाती है कि तहकीकात जारी रखे। कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। I'll see you. अरे बीजे, आज तो तुमने कमाल कर दिया है। वो कैसे? अरे सेल्स में इतना इंक्रीमेंट लाई है तू, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। देखा, फिर किया ना बहन ने कमाल। हामिद लुकमान से लेके मुबशर मी तक सबसे बात करके देख लिया, कोई इस काम को करने पे राजी ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैम, मैं एक आरजे को जानता हूँ, वो ये काम बहुत आसानी से कर सकती है। आरजे, हैव यू गॉन मैड? It's a big deal. कोई छोटा मोटा काम नहीं है ये। I cannot take any risk. Ma'am, you don't know. उसके confidence का चर्चा पूरे शहर में है। वो एक अलग type की लड़की है। बस अगर वो काम करने के लिए मान जाए। चलो अकील, अगर तुम इतना insist कर रहे हो तो let's give it a try. बात करो उससे, कल meeting fix करो। Done हो गया ma'am. Thank you very much. लेकिन वक्त और जगह मैं खुद बताऊँ। वो तेरा लवर ना? हाँ। कॉल आई थी उसकी। क्या बोलता है? कोई ऑफर आई है शो की, पॉलिटिकल शो है, वो मांगे पैसे दे रहा है उसको। अरे गेमर लोग होते हैं साले, किन चक्करों में पड़ गया तू? इनका कोई भरोसा नहीं है। वो क्या कम गया? ताली दे दे साले। बानी जी, ये नहीं पता था कि तुम ये डील एक्सेप्ट करोगी, क्योंकि बड़े बड़े एंकर्स की ये सुन के वाट लग जाती थी। मुद्दे पे आए मैडम, मुद्दे पे। पेमेंट का 50% आज शाम से पहले मुझे मेरे अकाउंट में चाहिए। पैसों की तो तुम फिक्र ही ना करो। वैसे क्या करेंगे इतनी दौलत मैडम, आधी हमको दे दो। काम पता है काम। यहाँ पे हमारा मिलना सेफ नहीं है, बाकी बातें तो मैं फोन पे बता। तो फिर मैं आपकी कॉल का वेट करती हूँ। सी यू। जी अमीरों, जी मैं चैनल 99 से बात कर रहा हूँ। हम खोसा साहब का एक इंटरव्यू कंडक्ट करना चाह रहे थे। उनका टाइम मिल सकता है? वो स्टूडियो में नहीं आ सकते हैं। अगर आपने आना है तो उनके घर पे आके इंटरव्यू कर सकते हैं। That would be fine. We'll see you there. Thank you. और अकील, कितने देर हो गई तुझे इसके साथ काम करते हुए मीरा के साथ? मुझे 4-5 साल हो गए। अच्छा, अच्छी बन गई है यार। हाँ, लेकिन शुक्र है काम सही जा रहा है। लाइटर होगा तेरे पास? नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। क्यों? आप भी नहीं लेते? Yeah, right. कब आएगा तेरा खोसा साहब? बस आने वाले होंगे। वेलकम वेलकम खोसा साहब। ये लाइट्स तो आपने रास्ते में रखवा दी हैं। वैसे हमारे पास भी कोई कमी नहीं थी लाइट्स की। मेरे ख्याल से शो शुरू किया जाए, क्योंकि हम आपकी तरह अवेले नहीं है ना। मैं जरा लाइट्स को फिक्स करता हूँ। यार वो मेरा लैपटॉप उड़ा है।
तो कौशल साहब, क्या आप तैयार हैं आज के धमाकेदार शो के लिए? हाँ, वैसे तो मुझे इस शो के फॉर्मेट का कुछ खास नहीं पता, खैर आप शुरू कीजिए। शो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस शो को लाइव शो कहते हैं और इसमें एक ब्रेक होती है। जी हमें क्या हंसा हो सकता है, लेकिन आपके लहजा मुझे कुछ अजीब समझ में आया। हाँ जी, तो कोसा साहब, आपके धंधे को किसी अंडरग्राउंड पार्टी की सपोर्ट है या अकेले बाजी मार जाते हैं? ये किस तरह का सवाल है? मुझे आपके लहजे में कुछ तंस की बुआ आ रही है, जरा सवाल ख्याल से कीजिए। तो खुले और नंगे लफ्जों में मुलाहिजा फरमाएं। 2011 से लेके 2014 तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी कमाई का 90% पैसा स्मगलिंग, ड्रग डीलिंग और वेपन मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो लड़की, मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ किस गवार ने भेज दिया है, लेकिन तुम किसी और के काले करतूत मुझ पर डाली जा रही हो। चलो वो सब छोड़िए, ये बताएं इस साल बैरूने ममालिक से आने वाली रकम जो कि डैम बनने में इस्तेमाल की जानी थी, वो कहाँ गई? इसका जिम्मा तो आप पे था ना? चलो शुक्र है आपने कोई काम का तो सवाल कर लिया। देखें, वो सब बसों और सड़कों पे लगा है, बाहर जाके जरा देखें, शहर का नक्शा बदल गया है सड़कों की वजह से। डैम शैम तो बनते रहेंगे, लेकिन जो अभी के मसाइल हैं वहां के पहले उन्हें तो सॉल्व किया जाए। बात में दम है बॉस, बिजली ना होने से आवाम को कितनी तंगी होती है वो मायने नहीं रखती बात, मगर जिन सड़कों पर से आपकी महंगी महंगी गाड़ियां गुजरती हैं वो तो सही होनी चाहिए ना। ओ बीबी, अब हम बसों में तो ट्रेवल करने से रहे, वो सब तो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है ना। अब अगर आप ये चाहते हैं कि एक ही दिन में डैम्स भी बन जाए, सड़कें भी बन जाए, तो फिर तो हो गया जी काम। ये बताइए कि जहांगीर बड़ाइच कौन है? आप ही का बंदा है ना? नहीं, कौन? वो कौन है? शाहनवाज खोसा साहब, याद करने की कोशिश कीजिए, ये वही शख्स है जिसे आप बंदे चुकवाते हैं। एक मिनट, शो बंद करवाने तो तेरी बोलती मत करवाऊंगा। It's a live show, खोसा साहब, आवाम आपको देख रही है और ये शो बंद नहीं करवा सकते, थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको। जहांगीर बड़ाइच, ये वही है ना जो FBG का पार्टनर है, जो क्या मनी लॉन्ड्रिंग। सुने मेरी बात, हम आवाम की खिदमत गुजार हैं, सस्ते चैनल से सस्ते एंकर्स को हम जवाब दे रहे हैं। दिस कन्वर्सेशन इज ओवर। जी सुनो, इसके बाहर जाने से पहले इसका काम खत्म हो जाना चाहिए, समझा? काम हो जाएगा आपका। आवाम के हाथ में वो ताकत है जो ऐसों की घंटी बजा सकती है। आज आपके सामने जो चोर बेनकाब हुआ है, ये वही चोर है जिसने अमीरा पाशा जैसे एक वेल नोन एंटरप्रेन्योर की फैमिली को उड़ा डाला, खत्म कर डाला। ऐसा के साथ क्या होना चाहिए, इसका फैसला तो सिर्फ आप आवाम ही कर सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। बस नेक्स्ट वीडियो का इंतजाम करो, उन्हें निकालो यहाँ से अंदर बैठ। जी ठीक है, पहले ये रेडी सब बाहर जाना सेफ नहीं है, प्लीज स्टे इनसाइड। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? सर आप खुद देख लें। ये तो होना ही था। Oh!
मुबशर लुकमान से लेके हामिद मीर तक उल्टा बोलना था अलग बोली एक्साइटेड होके यहां से रहे उधर देखो लाला उधर देखो अच्छा थैंक यू वेरी मच नहीं अच्छा मैं इतना खिलखिला नहीं हंसना वो फिल्टर वाला गाल ही सॉरी हे स्टॉप कर दो यही खड़ी रहो ना मैं या और मेरे बेटे वेलकम वेलकम खोसा साहब मैं बालों के पीछे तो नहीं आ गया हल्के से मुझे लग रहा है बालों के इसके पीछे आ गया क्लोज अप क्लोज अप क्लोज अप ओह माय गॉड